अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं नानचाप की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी सी और यामी रेसिपी है। तो चलिए अब हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। हमने जो है नानचाप को चिकन में बनाए हैं, आप चाहे तो आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर चिकन में ही बनती है, लेकिन कभी आप इसे बाहर खाते हैं तो आपको ये चिकन में भी अवेलेबल मिलती है और मटन में भी अवेलेबल मिलती है। तो चलिए अब हम आपको रेसिपी बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए है बोनलेस चिकन, जिसकी जो क्वान्टिटी है वो है 1/2 kg। इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो क्वान्टिटी है वो है 2 टेबल स्पून। आपको इसमें ज़्यादा ही डालना है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट डाले हैं। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाले हैं। 1/2 टेबल स्पून आपको ब्लैक पेपर पाउडर डालना है और यहाँ पे हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। आप सॉल्ट और जो चाट मसाला है वो देख के डालिएगा, नहीं तो जो आपका चिकन है वो सॉल्टी हो सकता है। ये पॉइंट पर जो है आप चिकन में गर्म मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं और धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इतने मसाले से ही आपका जो चिकन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनेगा। बस आपको जो है इसे कुछ 20 मिनट्स मैरिनेट होने रखना है। उसके बाद जो है आप इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। कभी आपको ऐसा लगता है कि पानी की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है बॉईल करते वक्त, तो वो पॉइंट पे जो है आप इसे बॉईल करते वक्त पानी डाल सकते हैं। बस यहाँ पे हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो इसे जो है हम रखते हैं ठंडा होने के लिए साइड में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिए है, जिसमें जो है हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल की क्वान्टिटी जो है आप आपके हिसाब से ले सकते हैं कि आप कितना प्रिफर करते हैं। यहाँ पर जो है हमने 1/2 कप ऑयल डाले हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम कुछ जीरा डाल देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो ये पॉइंट पे जो है आप कड़ी पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जीरा अवेलेबल नहीं है तो ये पॉइंट पे जो है आप उसे टोटली स्किप कर सकते हैं। आगे जो है आप उसका जीरा पाउडर डाल दीजिए, नहीं तो जो है आप स्किप कर दीजिए। बस यहाँ पे जो है हमने कुछ 3 मीडियम साइज की अनियंस को रफली चॉप कर लिए हैं। आप कैसे भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आप उससे छोटा छोटा ही चॉप करें, ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भुने जाए और एकदम अच्छे से मैश हो जाए हमारा मसाला। बस यही रीज़न है हमने हमारी अनियंस को स्क्वायर कट करे हैं। बस आपको जो है इसे पिंकिश होने देना है, आप इसे ज़्यादा ब्राउनिश वगैरह भी नहीं करिएगा, ना ही आपको इसे एकदम गोल्डन क्रिस्पी फ्राई करना है। आपको जब ऐसा लगे कि आपकी जो अनियंस है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो बस वो पॉइंट पे जो है हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अगेन यहाँ पे भी जो है हम जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो क्वांटिटी है वो है 2 टेबल स्पून। ये सारे प्रोसेस में जो है आप जिंजर गार्लिक पेस्ट का ज़्यादा यूज़ करिएगा, उससे जो है आपके नानचाप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस आपको जो है इसे अच्छे से एक स्टर दे देना है, एक मिक्स दे देना है, ताकि आपका जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आए। जब आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट का फ्लेवर और उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छे से आने लगे, तो वो पॉइंट पे जो है हम यहाँ पे कुछ टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने कुछ 5 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप कर लिए हैं, और बस अब हम इसमें वही डाल देंगे। सारी क्वान्टिटीज़ जो है आप आपके हिसाब से ले सकते हैं कि आप कितना मसाला बनाना प्रिफर कर रहे हैं। तो बस ये सारी चीज़ों को जो है आपको एक अच्छा सा स्टर दे देना है। अब हमारे जो टमाटर है वो बहुत अच्छे से भुन नहीं जाते और सॉफ्ट नहीं हो जाते, हम जो इसे तब तक पकाएंगे। आपको जो है टमाटर सॉफ्ट वाले लेना है, कड़क वाले नहीं लेना है, इससे आपका जो मसाला है वो बहुत ही जल्दी भुनेगा। बस इसके बाद जो है हम इसमें थोड़े से कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो हमारे नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं। तो बस यहाँ पे हमने डाले हैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, क्योंकि हमने चिकन मैरिनेट करते वक्त और चिकन बॉयल करते वक्त भी उसमें सॉल्ट डाले थे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर की जो क्वांटिटी है वो है 2 टेबल स्पून। अगेन आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं कि आप कितना प्रिफर करते हैं। यहाँ पे जो है हमने 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाले हैं। ये सारी चीज़ों को जो है आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये थोड़ा सा भून जाए या इसके कुछ 4 to 5 मिनट्स के बाद जो है हम यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। अगेन आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं कि आप कितना स्पाइसी प्रिफर करते हैं। यही वजह से जो है हम जब चिकन मैरिनेट कर रहे थे तो उसमें हमने गरम मसाला पाउडर नहीं डाले है, क्योंकि हम मसाला भूनते वक्त डालने वाले थे। कभी हम दोनों चीज़ों में डाल देंगे तो जो हमारा मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो आप जो है या तो चिकन मैरिनेट करते वक्त उसमें गरम मसाला पाउडर डालिए, या फिर जो है आप जब मसाला भून रहे हैं तो आप उसमें गरम मसाला पाउडर डालिए। तो बस यहाँ पे जो है हमने 2 टेबल स्पून जो है गरम मसाला पाउडर डाल दिए। सारी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से भून लेना है, जब तक आपके जो टमाटर है वो बहुत ही अच्छे से मैश नहीं हो जाते। और आपको ऐसा लगता है कि जब तक हमारा मसाला अच्छे से भून नहीं गया, आप इसे तब तक पकाइएगा। तो चलिए अब हम आपको आगे की रेसिपी बताते हैं।
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो ये पॉइंट पे जो है हम यहाँ पे डालेंगे चिकन, जो हमने चिकन को बॉईल करने रखे थे उसे जो है हमने ठंडा होने के लिए रख दिए थे। जब वो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया तो ये पॉइंट पे जो है हमने उसे हाथों से बहुत ही अच्छे से श्रेड कर लिए है। आपको जो है हाथों से ही श्रेड करना है, आप उसे ग्राइंडर में नहीं करिएगा, नहीं तो जो आपका चिकन है वो एकदम चूरा चूरा हो जाएगा और जब आप उसका नानचाप बनाएंगे या फिर आप जब उसे मसाले में डालेंगे तो वो एकदम घुल जाएंगे आपके मसाले में, और जब आप उसे नान में स्टफ़ करेंगे तो आपको ज़रा भी उसका चिकन का टेस्ट नहीं आएगा। तो आप जो है मेक श्योर करें कि आप आपके हाथों की मदद से ही चिकन को श्रेड करें। बस उसके बाद जो है यहाँ पे हमने कुछ 5 आलू को बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लिए। जब वो बॉईल हो गए तो हमने उसका छिलका निकाल के उसे अच्छे से मैश कर लिए, और बस चिकन के बाद जो है यहाँ पे हमने कुछ बॉयल पोटैटोज़ डाले हैं, और ये सारी चीज़ों को जो है आपको अच्छे से एक स्टर दे देना है, एक मिक्स दे देना है। ये पॉइंट पे जो है आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब चिकन बॉईल करे थे तो उसमें भी हमने नमक डाले थे, हमने जब मसाला भुने हमने उसमें भी नमक डाले हैं, लेकिन जब हम आलू डाल रहे थे तो उसमें हमने नमक नहीं डाले। तो कभी आपको ऐसा लगता है ये पॉइंट पे कि थोड़ा सा नमक कम है या इसमें नमक डालने की ज़रूरत है, तो आप ये पॉइंट पर जो है इसमें नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है आप इसमें चाट मसाला डालिए, इससे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हमको ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा सॉल्ट कम है इसमें, तो हमने सॉल्ट के बदले यहाँ पे चाट मसाला का यूज़ करे है, और बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाले है। उसके बाद जो है हम इसे बहुत सारे कोथमीर से अच्छे से गार्निश करेंगे, और बस ये सारी चीज़ों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक स्टर दे देंगे, और ये पॉइंट पे जो है हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारा बहुत ही यामी सा नानचाप का मसाला बन के रेडी हो चुका है। आप चाहे तो आप इसे मटन के कीमे में भी बना सकते हैं, आप चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जो है ऐसा ही ज़्यादा पसंद है और हम ऐसा ही ज़्यादा प्रिफर करते हैं। ये एकदम आपको स्ट्रीट स्टाइल जैसा टेस्ट देगा, तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी थी। तो चलिए अब हम आपको आगे की रेसिपी बताते हैं। यहाँ पे जो है हमने खमीरी नान लिए है। आप कोई भी बेकरी पे चले जाओ और आप वहाँ पे बोलिए आपको छोटे वाले खमीरी नान चाहिए, तो वो जो है आपको बहुत ही आसानी से दे देंगे। इसको जो है आपको मिडिल से अच्छे से कट कर लेना है, और जो मसाला हमने बना के रेडी रखे थे आप पहले उसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो गया या नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया तो वो पॉइंट पे जो है आप सारे नान में से स्टफ़ कर दीजिए। तो बस आपको जो है इसमें अच्छा ज़्यादा भरना है, कभी आप इसमें कम भरते हैं मसाला तो जो है सिर्फ नान का ही टेस्ट आएगा, मसाले का टेस्ट नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर हम इसे बहुत ही अच्छे से स्टफ़ करेंगे, उसके बाद जो है हम आपको आगे की रेसिपी बताते हैं। चलिए यहाँ पे जो है हमने दूसरा पैन ले लिए है जिसको हम अच्छे से हीट होने देंगे। जब वो बहुत ही अच्छे से हीट हो गया तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। कभी आपको बटर का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप घी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, कभी आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल यूज़ करिए। बस यहाँ पे हम बटर मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। जब हमारा बटर बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो जो हमने नान चाप को स्टफ़ करके रखे थे वो हम इसमें बहुत ही अच्छे से सेक लेंगे। जब तक कि जो है ये क्रिस्पी नहीं हो जाता हम इसे बहुत ही अच्छे से सेकेंगे। जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसे सर्व करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट पे जो है आप इसके ऊपर चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं, और आप जो है लिड रख दीजिएगा तो आपकी जो चीज़ है वो भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। चीज़ स्लाइस के ऊपर आप ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है ये नॉर्मली ऐसे ही पसंद है क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल में ऐसे ही मिलता है और ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन कभी आपको चीज़ वगैरह का यूज़ करना है तो ये पॉइंट पर जो है आप ऊपर से चीज़ रख के लिड को लगा के आप चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर हमारा जो नानचाप वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको इसे सर्व करके बताते हैं और हम आपको इसे कट करके बताते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा जो नानचाप है वो क्रिस्पी हो चुका है और बहुत ज़्यादा यामी लग रहा है। ये बॉम्बे में जो है बहुत ही एक फेमस रेसिपी है, रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। तो बस हम जो है इसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बनाते रहते हैं।
इसीलिए हमने सोचा कि चलिए हम आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी थी, आपने कभी ये रेसिपी ट्राई किए हैं या नहीं किए हैं, अगर किए हैं तो आप इसे क्या नाम देते हैं, आप इसे चिकन में ट्राई करते हैं या कीमे में ट्राई करते हैं या मटन में ट्राई करते हैं, हमें सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं और आपको इसे हम सर्व करके बताते हैं। बस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमने हमारे नान चाप की बहुत ही अच्छे से प्लेटिंग करे हैं। तो बस यही थी आज की एक छोटी सी रेसिपी, छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार जो है हमारे तरीके के नान चाप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी थी। दुआओं में याद रखिएगा। होप यू लाइक दी वीडियो। जज़ाकअल्लाह।